22 जनवरी को मनाए दीपावली जैसा उत्सव 500 साल बाद रामलला विराजेंगे भव्य मंदिर में। 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा के उद्घाटन समारोह आजाद पार्क में मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा अपने उद्बोधन में। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा के उद्घाटन समारोह आजाद पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करके यह भव्य और दिव्य आयोजन किया है। इसमें पुण्य कमाने का अवसर दिया गया है। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए राम नाम की परिक्रमा हम सबको करनी चाहिए और दूसरों को भी परिक्रमा कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस परिक्रमा के बारे में अपील की जा रही है। आस पड़ोस एवं मित्रों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहिए कि आजाद पार्क में ऐसा भव्य धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेरा परम सौभाग्य है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था तो 1008 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके अयोध्या में रामरथ यात्रा के रूप में ले गए थे। यह सौभाग्य मुझे मिला। इसमें अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर, पुष्कर के मंदिर में मठों आदि की मिट्टी लगी हुई है। जिस भव्य स्वरूप में श्री राम मंदिर बन रहा है उसमें अजमेर जिले के प्रमुख स्थानों का भी योगदान सदियों तक याद रहने वाला होगा। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह दिव्य चमत्कार एक साहसिक कार्य जन भावना के रूप में वहाँ दृष्टिगत होगा। हम सब यह देख रहे हैं, अपने लिए सौभाग्य की बात है। इस दिन सब उत्सव के रूप में हर घर में 15 से अधिक दीपक जलाएं और एक उत्सव के रूप में मनाएं। इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया उन्हें हृदय से आभार और साधुवाद व्यक्त किया और आप से आह्वान करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, इसमें बढ़ चढ़कर सभी को हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता परम श्रद्धे जगतगुरु श्री श्री जी महाराज पीठाधीश्वर निम्बार्क पीठ प्रज्ञानंद गिरिजी महाराज, साध्वी समदर्शी सांसद भागीरथ चौधरी, मेयर ब्रजलता हाड़ा, पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट का समारोह में स्वागत सत्कार किया गया। समारोह में संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी, धर्मेश जैन, उमेश गर्ग, सत्यनारायण भंसाली, डॉक्टर प्रियशी हाड़ा, संपत साकला, खाजूलाल चौहान, अन्य पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बात है कि आज राम नाम की परिक्रमा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है और हम सदियों से सुनते आए कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजनकर्ताओं का कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो भगवान श्री राम जी के हस्तलिखित मंत्रों से जैसे राम के हस्तलिखित जो पोतियाँ हैं उनके लोग परिक्रमा करके पुण्य कमाएंगे। और वैसे ये कुछ सालों से कार्यक्रम चल रहा है लेकिन इस बार और भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 तारीख को भगवान श्री राम जी के मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये मेरे लिए भी सौभाग्य का क्षण है क्योंकि जब भगवान श्री राम जी के मंदिर की का शिलान्यास हुआ था तो 1008 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके मैं अयोध्या ले गया था जिसके अंदर अजमेर जिले के सभी प्रमुख मंदिर मठ और पुष्कर विधानसभा के लगभग सभी मंदिर और मठों की मिट्टी के ऊपर भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। तो मैं भगवान श्री राम जी की प्रार्थना करता हूँ हमारे क्षेत्र के अंदर खुशहाली बनी रहे। क्या करो देखिए, कांग्रेस हमेशा हमारे देश के जो आस्था है, हमारे मंदिर है, उनमें कभी न तो जाती है और हमेशा हमारे देवी देवता का उन्होंने अपमान किया है। भगवान श्री राम जी के भगवान श्री राम है ही नहीं ऐसा उन्होंने कोर्ट के अंदर शपथ पत्र दिया था और उसी का परिणाम है कि आज वो उनकी पूरे देश के अंदर दुर्दशा हो रही है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको तो बिना बुलाए जाना चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम तो अपने आस्था में भरते हैं। जब कोई भी दुख सुख की बात होती है तो भगवान श्री राम जी को याद करते हैं, कोई मिलता है तो भी राम राम साहब, कुछ दुख सुख की बात हो जाती है तो भी राम का ही नाम लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में उनको जाना चाहिए, उनकी अपनी सोच है। वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के हथकंधे अपनाते हैं तो ये उनका अपना मामला है लेकिन मेरी यही यही है कि भगवान उनको सद्बुद्धि देवे।